देश की पहली कॉफी चेन कैफे कॉफी डे, जिसके पास इतने स्टोर्स थे कि हर एक कॉम्पिटिटर को उससे डर लगता था। एंड इनफैक्ट अगर सारे कॉम्पिटिटर्स के नंबर ऑफ स्टोर्स भी मिला देना तो वो भी कैफे कॉफी डे के सामने कुछ भी नहीं बनते। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि आज कोई सीसीडी के स्टोर जाना तो दूर की बात, उनके स्टोर्स की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। कंपनी के साथ कुछ इतना बुरा हुआ कि उनके फाउंडर को अपनी जान तक लेनी पड़ गई। और पिछले 5 सालों में अगर आप देखो तो कंपनी के जो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं वो 73% तक कम हो चुके हैं। पर सवाल ये कि सब कुछ आखिर हुआ कैसे, वो कौन कौन सी गलतियां थी जो सीसीडी ने करी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीख कर अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये कहानी शुरू होती है 1983 में, जब मैंगलोर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके वीजी सिद्धार्था नाम का एक आदमी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट लाइन के अंदर अपना करियर शुरू करता है। सिद्धार्था अपने शुरुआती दिनों में एक मुंबई बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप जिसका नाम था जेएम फाइनेंशियल, उसके अंदर एज एन इंटर्न ज्वाइन करते हैं और अगले 2 साल तक वहां पे काम करते हैं। और इन्हीं 2 सालों में उन्होंने स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इन सबसे रिलेटेड जितनी भी बिजनेस की नॉलेज थी ना वो सारी की सारी हासिल करी। जिसके बाद साल 1984 में सिद्धार्था वापस मुंबई से बैंगलोर आते हैं और खुद की एक प्रोप्राइटरी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म की शुरुआत करते हैं। अब जब वो अपनी ये कंपनी चला रही थी तो उनको कॉफी के मार्केट को भी एक्सप्लोर करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, जहाँ पर उन्होंने ये देखा कि इंडिया के अंदर 1 पाउंड कॉफी का जो प्राइस है वो पड़ता है करीब 35 सेंट्स, लेकिन वही अगर हम अमेरिका में देखें तो वो प्राइस पहुंच जाता है $1.2। मतलब कि अगर कोई इंडिया के अंदर कॉफी बनाकर बाहर उसको एक्सपोर्ट करता है तो उसको 3 गुना प्रॉफिट होगा। और यही वो जगह थी जहां पर सिद्धार्था को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। जिसके बाद उन्होंने जो भी पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया था वो सारा का सारा पैसा एक लैंड खरीदने में इन्वेस्ट किया। वो 1500 एकड़ की लैंड लेते हैं जिसको साल 1992 में जाकर वो 4000 एकड़ तक ले जाते हैं, जिसके अगले साल 1993 में सिद्धार्था ने कॉफी को ट्रेड करने के लिए अमेलगमेटेड बीन कॉफी ट्रेडिंग कंपनी, इस कंपनी की शुरुआत करी। अब अपनी इसी कंपनी की मदद से सिद्धार्था हर साल 20,000 टन कॉफी का ट्रेड कर रहे थे, जिसके अगले 2 सालों के अंदर अंदर वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्टर बन जाते हैं। और बस कुछ ही वक्त में वो अपनी इस कंपनी का नाम बदलते हैं और नाम पड़ता है कॉफी डे ग्लोबल। अब होता कुछ ऐसा है कि इसी बीच वीजी सिद्धार्था को बिजनेस के सिलसिले में जर्मनी का लीडिंग कॉफी ब्रांड शिबू में विजिट करने का मौका मिलता है, और वहां पर उनको एक जर्मन बिजनेसमैन ये बताता है कि उन्होंने आज से कुछ साल पहले हैम्बर्ग के शहर में एक छोटी सी 10 फीट की दुकान से शुरू किया था और आज वो पूरी कंट्री में पॉपुलर हो गए हैं। और इसी बात को सुनकर सिद्धार्था को एक बिजनेस आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी इंडिया के अंदर एक कॉफी हाउस की शुरुआत करे, जिससे कि उनका भी पूरे इंडिया में नाम हो जाएगा। और यही वो जगह थी जहां से कैफे कॉफी डे की शुरुआत होती है। 11 जुलाई 1996 को ब्रिगेड रोड बैंगलोर में सीसीडी अपना पहला आउटलेट ओपन करती है। अब वक्त आ चुका था एक्सपेंशन करने का, और देखते ही देखते बस कुछ ही सालों में सीसीडी तेजी से अपने नए नए आउटलेट्स खोलना शुरू करती है। और पता है साल 2000 आते आते सीसीडी ने 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स खोल डाले। फिर साल 2005 में जाकर कैफे कॉफी डे ने वियना, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर है, वहां पर अपना पहला इंटरनेशनल आउटलेट खोला, जिस वक्त तक उनके इंडिया के अंदर टोटल 500 से भी ज्यादा आउटलेट्स हो चुके थे। इनफैक्ट इस चीज को और ज्यादा तेजी से एक्सपैंड करने के लिए ये लोग साल 2015 में सीसीडी की पेरेंट कंपनी का आईपीओ भी लेकर आते हैं, जिसके थ्रू इन्होंने 1150 करोड़ रुपए करें। और ये करने के बाद सीसीडी के टोटल आउटलेट्स की संख्या 2000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। अब सीसीडी पूरे देश में फैल चुका था और कुछ ही वक्त में ये हमारे देश के यंगस्टर्स का फेवरेट कॉफी स्पॉट बनता है। लेकिन एक मिनट, अगर सब कुछ इतना जबरदस्त चल रहा था तो फिर आखिर गड़बड़ कहां पर हो गई? ऐसा क्या किया सीसीडी ने कि आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में आ गई है? वेल, द आंसर इज पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अगर आपको इस चीज को डिटेल में समझना है तो आखिर सीसीडी की सक्सेस का कारण क्या है, हमें पहले उन सारे फैक्टर्स को बहुत ही डिटेल में समझना होगा। बट बिफोर दैट, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खुद के फाइनेंसेस आखिर कितने वेल मैनेज्ड है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मुसीबत में फंस सकते हो। जैसे अगर मैं सिर्फ क्रेडिट स्कोर की बात करूं, तो क्या आपको पता है कि आप रेगुलरली अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके कितने पैसे बचा सकते हो? आओ जरा दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 स्कोर खोल रखा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे को अपना सिबिल और एक्सपीरियन क्रेडिट ब्यूरो, इन दोनों का स्कोर दिख रहा है, जो कि काफी अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है ना, मेरे को अपनी सारी चीजें दिखेंगी कि मेरी क्रेडिट लिमिट कितनी है, मैंने अपनी क्रेडिट लिमिट का कितना परसेंट यूज किया है, मैंने कितनी ज्यादा टाइम पर पेमेंट्स करी है, और अभी जो मेरे क्रेडिट के अकाउंट्स हैं वो कितने अकाउंट्स ऑपरेशनल हैं। अब देखो ये काम कैसे आता है।
फॉर सपोज आने वाले टाइम में मेरे को घर या गाड़ी लेनी है, जिसके लिए मुझे एक बैंक लोन की जरूरत है। अब होगा क्या कि बैंक मेरे को लोन तभी देगा जब मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, और अगर मान लो मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो या तो मेरे को बैंक लोन नहीं देगा, या फिर अगर मेरे को लोन मिल भी जाता है तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट पर एक्चुअली में लोन चाहिए तो वहां पर आपको एक अच्छा सिबिल स्कोर होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर हमें अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो हम कर क्या सकते हैं। वेल, ये भी बहुत आसान है। आप यहाँ पर इम्प्रूव स्कोर पर क्लिक करो, उसके बाद क्या होगा, ये आपसे पूछेगा कि आपको क्रेडिट स्कोर कितना इम्प्रूव करना है। तो मान लो मैंने सेलेक्ट किया कि मेरे को अपना 20 पॉइंट से क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि कितने टाइम में करना है। तो मान लो मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे 3 महीने के अंदर अंदर करना है, उसके बाद ये मुझे खुद बता देगा, सजेशंस दे देगा कि मैं क्या क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे मेरा क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाए, जिससे मुझे सस्ते रेट पर लोन भी मिल जाएगा और बैंक मेरे को लोन देने में बहुत ज्यादा चिक-चिक भी नहीं करेगी, आसानी से मिल जाएगा। प्लस द बेस्ट पार्ट इज कि मान लो अगर मेरे साथ कोई लोन फ्रॉड हो जाता है तो यहाँ पर मैं उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ब्यूरो में जाकर अपनी कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर और भी काफी सारे फीचर्स हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है OneScore, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड करके अपने फाइनेंसेस को काफी हद तक बेटर कर सकते हो, ये आपके बहुत काम आएगा। सीसीडी को ये पता था कि अगर उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो उनको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को केटर करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको अपने टारगेट कस्टमर्स को ज्यादा बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए उन्होंने किया ये कि उनका जो वैल्यू प्रोपोजिशन था ना, इन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म किया। जैसे समझाता हूँ, अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को और बेटर करने के लिए सीसीडी ने काफी सारे वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स ऐड करे, अलग अलग तरीके के बेवरेजेस ऐड करे, और यहाँ तक कि अपने जो स्टोर के डिजाइन और साइज लोकेशंस थी, ये सारी चीजों को अपने यूथ के कस्टमर का जो उनका सेगमेंट है उसके हिसाब से सेट किया, जिसमें सीसीडी ने अपने हर तरह के कस्टमर को एक्वायर करने के लिए ये 6 अलग-अलग तरीके के आउटलेट्स खोले। जहां पर पहले नंबर पे आता है कैफे कॉफी डे एक्सप्रेस स्टोर्स। यूथ और मिडिल क्लास कस्टमर्स के लिए फरवरी 2003 में कैफे कॉफी डे अपने एक्सप्रेस स्टोर्स खोलता है, जहां पर वो एक अच्छे प्राइस पर बहुत ज्यादा कन्वीनियंस के साथ अपने कस्टमर्स को सर्व कर सके। ये जो स्टोर्स थे ये बेसिकली इजी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए थे, इसलिए इनको इजीएस्ट का टैग दिया गया था। तो ये इतने सिंपल होते थे कि आप जाओ स्टोर पर ऑर्डर करो, छोटा सा स्टोर होगा, वहां पर आपने कॉफी उठाई और कॉफी उठाकर आप वहां से जा सकते हो। फिर आते हैं ये दूसरे तरीके के आउटलेट्स, जो कि है कैफे कॉफी डे लॉन्च। ये जो आउटलेट्स थे वो फैमिली या फिर अपर मिडिल क्लास के कस्टमर सेगमेंट्स के लिए बनाए गए थे। इनका जो बेसिक मोटिव था वो ये था कि रेस्टोरेंट के टाइप की क्वालिटी और साथ में कॉफी, इसके साथ एक ओवरऑल एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस सेल करे। और आप कभी भी देखोगे तो सीसीडी के जो लॉन्जेस होते हैं ना, वो उनके सबसे बड़े आउटलेट्स होते हैं, जहां पर इतनी जगह होती है कि आप आराम से आओ, आप कॉफी लो, आप बाकी सारी चीजें खरीदो और एक फैमिली एक्सपीरियंस वहां पर एंजॉय कर सकते हो। फिर इसके बाद आते हैं ये तीसरे तरीके के आउटलेट्स, जो कि है कैफे कॉफी डे स्क्वायर। बेसिकली साल 2009 में वेल्दी और इंटरनेशनल कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए सीसीडी ने स्क्वायर नाम के आउटलेट्स लॉन्च करे, जहां पर वो लोग फॉरेन कस्टमर्स को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर्व कर सकते हैं। तो इन्होंने यहां पे किया कुछ नहीं, जिस तरीके के फॉरेन में कॉफी आउटलेट्स होते थे वो सेम कॉन्सेप्ट ये लोग इंडिया में लेके आए, ताकि ये जो फॉरेनर्स हैं इनको इंडिया में आकर भी अपने देश जैसा ही एक्सपीरियंस मिले। फिर चौथे नंबर पे आते हैं कॉफी डे कैप्सूल एंड ड्रिजल आउटलेट्स। यहां पर सीसीडी ने किया ये कि जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं और सिंगल सर्व कस्टमर्स होते हैं ना, उन सब के लिए छोटे छोटे स्टोर्स ओपन करे, जिनको ये लोग कहते हैं कॉफी डे ड्रिजल एंड कैप्सूल आउटलेट्स, जहां पर लोग फटाफट से आ सकते हैं, अपनी कॉफी लेकर सीधा निकल सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली होता ये था कि जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं ना डेली बेसिस पे, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता था कि फटाफट से गए, कॉफी ली और अपना रस्ते में। फिर आते हैं पांचवे टाइप के आउटलेट्स, जिनको कहते हैं कॉफी डे फ्रेश एंड ग्राउंड। ये जो आउटलेट्स थे इनको फाइनेस्ट की कैटेगरी में रखा गया था, क्योंकि ये मेनली सिर्फ फैमिलीज के लिए बनाए गए थे कि फैमिलीज यहाँ पर आ सकती हैं और आकर अपना एंजॉय करके जा सकती हैं। एंड इनफैक्ट इनका अगर आप डिजाइन देखोगे तो वो भी एकदम फैमिली एटमोसफियर के हिसाब से बनाया गया था। और फिर आते हैं छठे और लास्ट आउटलेट्स, जो कि थे कॉफी डे बेवरेजेस। स्कूल और कॉलेज के कैंटीन्स के अंदर कभी सीसीडी की वेंडिंग मशीन देखी है? हाँ, ये चीज वही थी। ये लोग बेसिकली इन मशीन्स को अलग अलग
लोकेशंस पर बहुत ही सही प्राइस पर इंस्टॉल करवाते थे, जहां पर आप सीसीडी की फ्रेशली ब्रूड कॉफी को एंजॉय कर सकते हो। अब इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता था वो ये होता था कि क्योंकि ये सारी की सारी मशीन्स ऐसी लोकेशन पर होती थी जहां पर एकदम बच्चे या फिर यूथ पॉपुलेशन है, तो जितना भी यूथ है ना उनको बहुत ही अर्ली स्टेज से कैफे कॉफी डे के प्रोडक्ट की आदत लग जाती है, जिससे कि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आगे चलकर भी वो बच्चा कैफे कॉफी डे की ही कॉफी पिए। अब ये तो हो गई पहली स्ट्रेटजी। अब जरा समझते हैं कैफे कॉफी डे की दूसरी स्ट्रेटजी को, जिसको कहते हैं द 3A स्ट्रेटजी। देखो, कंपटीशन को बीट करने के लिए सीसीडी ने बेसिकली ये 3A नाम की एक रिटेल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, जिसमें जो पहला ही है उसका मतलब है अफोर्डेबिलिटी। सीसीडी ने ये इंश्योर किया कि उनका जो प्राइस है वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आए, ताकि स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे और यहाँ तक की बड़ी फैमिलीज और वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये सारे के सारे लोग सीसीडी के प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाए। और यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि जो कस्टमर सब प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकता है उसके लिए एक सही प्राइस पॉइंट पर कॉफी ऑफर करी जाए। फिर आता है ये दूसरा आई, जो कि है एक्सेसिबिलिटी। सीसीडी का जो सबसे बड़ा फोकस था वो ये था कि उनके जितने भी आउटलेट्स हैं वो उनके टारगेट कस्टमर के आसपास में ही लोकेटेड हो। बेसिकली कंपनी का ये मानना था कि चाहे पूरे देश में कोई भी लोकेशन हो, वहां पर हमारे कस्टमर को सीसीडी का कोई ना कोई आउटलेट मिलना चाहिए, ताकि वो हमारी कॉफी कंज्यूम कर पाए। अब इसके बाद आता है ये तीसरा आई, जो कि है एक्सेप्टेबिलिटी। आज के समय में जो कॉफी है ना वो बेवरेज से ज्यादा एक सोशल ड्रिंक बन चुकी है, जो कि लोगों को साथ लाने में, बैठने में, बातें करने में, ये सारी चीजें करने में हेल्प करती है। और यही वजह थी कि सीसीडी ने इस पूरी सोच को एनकरेज करने के लिए लेट्स कैच अप एट सीसीडी इस तरीके के मार्केटिंग स्लोगन्स का यूज किया, ताकि हमारे देश की जो चाय पीने वाली जनता है वो जल्दी से जल्दी कॉफी के ऊपर शिफ्ट हो पाए। अब ये सारी चीजें करने के बाद सीसीडी ने अपनी तीसरी स्ट्रेटेजी लगाई, जिसको कहते हैं डिफरेंस इन कंकॉक्शन। मतलब कि सीसीडी ने खुद को अपने बाकी कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने के लिए समय समय पर काफी सारी चीजें करी। जैसे सबसे पहले तो इन्होंने अपने आउटलेट्स के ऊपर कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट किया, जिसके लिए साल 2016 में इन्होंने फ्रीचार्ज के साथ पार्टनरशिप करी थी, जिससे कि अब कस्टमर्स सिर्फ 10 सेकंड में अपने पैसे देकर कॉफी लेकर वहां से निकल सकते हैं। उसके बाद साल 2016 में सीसीडी ने दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु इन सारे शहरों के अंदर कैफे कॉन्सर्ट्स करवाए। बेसिकली ये सीसीडी के आउटलेट्स के अंदर ही होने वाले कैफे कॉन्सर्ट्स होते थे, जहाँ पे सीसीडी किसी बैंड को बुलाती थी या किसी सिंगर को बुलाती थी और वहां पर एक कल्चर को प्रमोट किया जाता था। अब ये देखकर बहुत सारे यंगस्टर्स सीसीडी के आउटलेट्स में आते थे, और जब वो आउटलेट में आते थे तो वो चीजें भी खरीदते थे, और जब उनको टेस्ट अच्छा लगता था तो वो लोग वहां पर रेगुलरली आया करते थे। फिर अब समझते हैं सीसीडी की ये चौथी स्ट्रेटजी, जिसको कहते हैं मार्केटिंग। अब देखो, ये सुनने में बहुत ही सिंपल सा लगता है, लेकिन यहां पर सीसीडी का जो मेन टारगेट होता था वो होता था अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनके साथ एक रेगुलर एंगेजमेंट बनाकर रखना, जिसके लिए अगर आप देखोगे तो सीसीडी हर साल एक फेस्टिवल करवाती है, जिसको कहते हैं लाटे आर्ट फेस्टिवल, जहां पर अलग अलग कॉफी के ऊपर एक लाटे का आर्ट बनाकर कस्टमर्स को सर्व किया जाता है। यहां तक कि अगर आप देखोगे तो ये लोग सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं, ताकि इन सारी चीजों के जरिए ये लोग अपने कस्टमर्स के साथ एक रेगुलर एंगेजमेंट बनाकर रख पाए, एक रेगुलर कनेक्ट बना हुआ रहे। और अपनी इन्हीं स्ट्रेटजीज के दम पर सीसीडी इतनी सक्सेसफुल होती है कि वो इंडिया के साथ साथ 6 अलग अलग देशों में भी अपने आउटलेट्स खोलते हैं। लेकिन सीसीडी की ये जो कामयाबी है ना, ये ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि बहुत ही कम समय में शुरू होता है सीसीडी का बुरा वक्त। अब देखो, सीसीडी ये जो इतनी तेजी से एक्सपेंशन कर रही थी ना, इससे जो कंपनी के ऊपर कर्जा था वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा था। साल 2019 तक ना सीसीडी इस देश की सबसे बड़ी कॉफी चेन थी, जिनके पास 2664 से भी ज्यादा आउटलेट्स थे। लेकिन वहीं पर अगर आप स्टारबक्स को देखोगे, जिसको इंडिया में इतने साल हो गए हैं, उनके पास भी इतने सालों बाद सिर्फ 326 स्टोर्स ही हैं। वहीं पर डंकिन, जो कि इस पूरी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कॉफी कंपनी है, वो आज की डेट में इंडिया में सिर्फ 21 आउटलेट्स चलाती है। और अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स के अलावा डोमेस्टिक कंपनीज की भी बात करें, तो बरिस्ता के पास भी आज तक सिर्फ 380 स्टोर्स ही हो पाए हैं। तो अब आप समझ पा रहे हो कि आखिर सीसीडी ने खुद को किस लेवल पर एक्सपैंड कर लिया था। और यहीं से सीसीडी की एक्चुअल मुसीबत शुरू होती है, क्योंकि देखो, इंडिया वो कंट्री है जहां पर लोग चाय पीना पसंद करते हैं, वहां पर कॉफी जो है ना उसको एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव शॉक माना जाता है। इनफैक्ट आज की डेट में भी अगर आप देखोगे तो टीयर वन और मेट्रो सिटीज के अंदर ही आपको फैमिलीज कॉफी पीते हुए मिलेगी आइडियली। अब हुआ कुछ ऐसा कि शुरुआती दिनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तो इन सारी सिटीज में, यानी कि टीयर वन और अर्बन सिटीज के अंदर, जो बाकी कॉम्पिटिटर ब्रांड्स है ना उनके भी आउटलेट्स खुलने लगे, जिसके कारण होता ही है कि जहां पर एक जमाने में पहले पूरा कॉफी पीने वाला क्राउड
सीसीडी जाता था, अब वो क्राउड अलग अलग कॉम्पिटिटर्स के बीच में बट गया, जिसकी वजह से सीसीडी के जो मार्जिन थे ना वो काफी कम हो गए। और कुछ ही वक्त में, क्योंकि सीसीडी ने लोन लेकर खुद को एक्सपैंड किया था, तो उनको कैश फ्लो की प्रॉब्लम आने लगी। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। कॉफी डे एंटरप्राइजेस, जो कि सीसीडी की पेरेंट कंपनी है ना, वो सीसीडी के कॉफी स्टोर्स के अलावा और भी कई सारे बिजनेसेस करती है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, टेक पार्क्स, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और यहाँ तक कि कई सारे इन्वेस्टमेंट्स भी। इनफैक्ट सीसीडी के अंदर ही कॉफी आउटलेट्स के अलावा कॉफी प्लांटेशन, आउटलेट्स के लिए फर्नीचर बनाना और कॉफी वेंडिंग मशीन, ये सारे बिजनेसेस भी शामिल होते हैं। एंड द हार्श रियलिटी इज कि वीजी सिद्धार्था, जो कि कॉफी डे एंटरप्राइजेस के ओनर है ना, उन्होंने ये पूरा का पूरा एम्पायर लोन के पैसों से बनाया। और देखो, ये कोई अभी की बात नहीं है, क्योंकि ये सारे सिलसिले की शुरुआत हो गई थी 1987 में, जब उन्होंने लोन लेकर अपनी जो 1500 एकड़ की जमीन थी उसको 4000 एकड़ किया था। और पता है क्या, जो जमीन 1992 में 4000 एकड़ की थी ना, वो 2019 में बढ़कर लोन के पैसों से 20,000 एकड़ तक पहुंच गई। अब देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वीजी सिद्धार्था ने लोन ले लेकर इतना पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया था, लेकिन जिन चीजों में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे थे वो इन्वेस्टमेंट्स उतना कैश फ्लो नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी कि वो लोग इंटरेस्ट और अपना जो बेसिक लोन अमाउंट है उसको रीपे कर पाए। और यही कारण था कि उनको एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन उठाना पड़ा और दूसरा चुकाने के लिए तीसरा। इसी तरीके से जो पूरी कंपनी है वो डेट ट्रैप में फंसती गई। अगर हम बात करें मार्च 2019 की, तो कंपनी के ऊपर जो टोटल कर्जा था वो था 6,547.38 करोड़। जिसके बाद जुलाई 2019 में ये न्यूज आती है कि कंपनी के फाउंडर मिस्टर वीजी सिद्धार्था ने अपनी जान ले ली है। और जाते जाते सिद्धार्था ने एक नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे से गलती हो गई, मैं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाया और अब मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नोट में ये भी लिखा था कि जितने भी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है ना, जहाँ से उन्होंने पैसा उठाया है, वो सब के सब सिद्धार्था को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो अपने शेयर्स को बायबैक कर ले। अब जिनको नहीं पता, उनको बता दूं कि शेयर बायबैक का मतलब सिंपल सा ये होता है कि मान लो आप फंडिंग रेज करने के लिए किसी भी प्राइवेट इक्विटी फर्म के पास जाते हो और आप उनको अपने शेयर्स देते हो, तो जब आप उनको अपने शेयर्स देते हो तो वहां से आप पैसा रेज करते हो। अब यहां पर हुआ ये था कि कंपनी ने काफी सारी प्राइवेट इक्विटी फर्म से भी लोन के तौर पर पैसा उठाया था, जिसके बदले में उन्होंने अपने शेयर्स रखे थे और अब वो ये चाहते थे कि ये जो शेयर्स हैं ये सिद्धार्था वापस खरीद ले और उनका पैसा उन्हें लौटा दे। अब देखो, कोई भी प्राइवेट इक्विटी फर्म ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जैसे ही उनको ऐसा फील होने लगता है कि ये जो बंदा है, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है इस बंदे के साथ, अगर ये लॉस में चली जाएगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो इससे पहले ये लॉस में जाए हम अपना स्टेक बेचकर निकल जाते हैं। अब होता ये कि जैसे ही ये पूरी की पूरी खबर मार्केट में आती है, तो सीसीडी के शेयर्स बहुत ही स्पीड से नीचे गिरना चालू होते हैं। फिर साल 2019 में वीजी सिद्धार्था की डेथ के बाद उनकी वाइफ मालविका हेगड़े सीसीडी की सीईओ बनती है और तब से लेकर आज तक वो ही इस कंपनी को संभाल रही है। एंड द गुड पार्ट इज कि जब से उन्होंने कंपनी का कंट्रोल संभाला है, तब से लेकर अभी तक वो कंपनी के 73% आउटलेट्स को बंद कर चुकी है और जो कैश फ्लो की पोजीशन है वो भी काफी ज्यादा सुधर चुकी है। इसीलिए आज अगर आप देखोगे तो जो सीसीडी के आउटलेट्स एक टाइम पर 2664 से भी ज्यादा होते थे, वो आज कम होकर 469 के आसपास के नंबर पे आ गए हैं। इनफैक्ट मालविका हेगड़े ने कंपनी के कर्जों को कम करने के लिए काफी सारे ऐसे एसेट्स को भी बेच दिए जो कंपनी के लिए काफी लॉस मेकिंग थे, जैसे कि बेंगलुरु के अंदर उनका जो टेक पार्क था, उन्होंने उसको एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन को बेचा है 2700 करोड़ रुपए के अंदर। इनफैक्ट सीसीडी का एक टेक फर्म माइंडट्री के अंदर भी अच्छा खासा स्टेक था, जिनको इन्होंने L&T इन्फोटेक को बेच दिया फॉर 1800 करोड़, जिससे कि फायदा ये हुआ है कि कंपनी का जो कर्जा था वो काफी हद तक कम हो चुका है। जैसे एक डेटा दिखाता हूं आपको, मार्च 2023 के अकॉर्डिंग सीसीडी की जो पेरेंट कंपनी है कॉफी डे एंटरप्राइजेस, उनका जो टोटल कर्जा था वो था 1706.80 करोड़। और इसमें अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो 94 करोड़ रुपीज के आसपास इंडसलैंड बैंक का देना था, जो कि सीसीडी ने डिफॉल्ट किया है। और यही कारण है कि सितंबर 2022 के अंदर कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड यानी कि CDGL, जो कि पेरेंट कंपनी है सीसीडी की, उसको इंडसलैंड बैंक ने कोर्ट के अंदर घसीटा। देखो, CDGL जो है वो CDEL की एक सब्सिडियरी कंपनी है, जो कि 90% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है CDEL के ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर। और यही कारण है कि जब वीजी सिद्धार्था की न्यूज सामने आई और ये कोर्ट केस की न्यूज सामने आई, तो CDEL के जो शेयर्स है वो काफी तेजी से नीचे गिरे। और आज अगर आप देखोगे तो अभी तक ये मामला कोर्ट में और सुनवाई चालू है, देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में सीसीडी के साथ क्या होता है। ऑल्सो, आप में से जितने भी लोग सीसीडी गए हो, आपको सीसीडी के आउटलेट्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
एंड अगर आपने कभी उनके बिजनेस के अंदर कोई बहुत खराब चीज भी देखी हो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताना। एंड यस, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपसे ऐसी पावरफुल वीडियोस कभी भी मिस ना हो।